2024-14 के पहले दो तीन ऐसे बाबा थे, कॉरपोरेटर बाबा, जिन्होंने एजेंडा तय किया कि डीजल पेट्रोल सब कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, मोदी को लाओ। जो लोग नफरत, मैंने कहा कि इसकी गिरफ्तारी, जब नागपाल की गिरफ्तारी हो सकती थी तो फिर इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं, जिन्होंने सनातनी हिंदू के विचारधारा पर हमला किया। झूठा चमत्कार और अंधविश्वास को किसी भी कीमत पर बिहार की धरती बर्दाश्त नहीं करेगी। जो रियल संत थे, जिन्होंने कभी चमत्कार की, नफरत को अपना आधार नहीं बनाया और किसी पार्टी और व्यक्ति के लिए एजेंडा तय नहीं किया। बजरंग दल की स्थापना किसने किया? विनय कटियार, और वो बलात्कार के केस में इन्वॉल्व थे। तो क्या एक बलात्कारियों को आप बजरंग दल के बलात्कारियों को बजरंग दल स्थापित करेंगे और भगवान की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे ये बीजेपी वाले, देश के पीएम? अब 2024 के लिए एक एजेंडा सेट किया गया, उसी का नाम, जो किसी पार्टी के एजेंडे पर चलती है, पार्टी के पैसे पर उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, उसकी मार्केटिंग होती है। जैसे कभी नागपाल लिपस्टिक वाले, राम रहीम, आसाराम और बड़े बड़े लाइजनर बाबा लोग जो लाइजनिंग करते हैं, जो 2014 में लाइजनिंग कर रहे थे, डीजल कम हो जाएगा, पेट्रोल कम हो जाएगा, चीनी कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ऐसे दो चार बाबा जो लाइजनिंग करते हैं, जिनका संत से, मैं पुनः कहता हूं कि मैं न किसी संत का विरोधी हूं, मैं रामकृष्ण परमहंस को संत मानता हूं, न विवेकानंद को संत मानता हूं, मैं वाल्मीकि जी को संत मानता हूं, मैं संत रविदास को संत मानता हूं, मैं मुरारी बापू, मैं उन्हें कथावाचक मानता हूं, एक अच्छा जो चमत्कार के बारे में कुछ नहीं जानता, वो बोलते ही नहीं। ऐसे लोग जैसे हजरत हुसैन, जैसे गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, लोरी, क्रांतिकारी भगवान मानवता के लिए बचाने में परशुराम, ऐसे लोग, मैं भगवान की श्रृंखला वाली बात नहीं करूंगा, जो संत है, जो विज्ञान और अध्यात्म से संपूर्ण मानव जीवन के बदलने की बात करता है, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनको आत्मसात करते हैं, उनके जीवनी के चरित्र पर चलते हैं और उनका अनुकरण करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। जैसे बिहार में संत थे महर्षि जी, जैसे आचार्य श्री राम जी, वो साधक थे, संत थे। इस तरह के बहुत सारे लोग जो रियल संत थे, जिन्होंने कभी चमत्कार की, नफरत को अपना आधार नहीं बनाया और किसी पार्टी और व्यक्ति के लिए एजेंडा तय नहीं किया, ऐसे लोग जो 2024-14 के पहले भी भाजपा पार्टी के बड़े बड़े नेता आसाराम के मंच पर नाचते थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बलात्कारी घोषित कर दिया, नागपाल उन्हें जेल में बंद कर दिया मर्डर केस में, राम रहीम सुप्रीम कोर्ट ने उनको मर्डरर माना है, बलात्कारी माना है, बहुत सारी बच्चियों के साथ उन्होंने बलात्कार किए हैं। ऐसे लोग रह रहा करके अब 2024 के लिए एक एजेंडा सेट किया गया, उसी का नाम आजकल मीडिया में हम देख रहे हैं। मीडिया बंधु को कहां से, बड़े बड़े कॉरपोरेटर को कहां से इतना पैसा और फंडिंग आ रहा है, मुझको नहीं पता, लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा, जो लोग यहां पर गाली गलौज पर उतारे हुए हुए हैं, पैखाना पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, अपने ही पड़ेंगे। गोबर पर घी डालिएगा तो महक खुद ही आएगी, गोबर की आएगी। मैं हर उन चीजों का विरोधी हूं, चाहे वो रामायण को कोई गाली दे, चाहे किसी जाति को गाली दे,
ब्राह्मण बारी है, फलना गलत है, दलित ठीक नहीं है, दलित नीच है, अंबेडकर के बारे में कुछ कहे, मैं संत मानता हूं एंड उन लोगों को, सावित्री बाई फुले को, ज्योतिबा फुले को, रामाजी पेरियार को, उनको गाली कोई दे, किसी जाति का गाली दे करके नफरत पैदा करे, चाहे किसी भी दल का लोग क्यों ना हो, कभी कुरान शरीफ को, कभी मुसलमान को, कभी मस्जिद को बंद कर दो, कभी मंदिर बंद कर दो। अब बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का की स्थापना किसने किया? विनय कटियार ने, और वो बलात्कार के केस में इन्वॉल्व थे। कौन मिश्रा जी, क्या आप जी परसों कुसुम मिश्रा, चार दिनों तक उसको अपने कब्जे में रखा। तो क्या एक बलात्कारियों को आप बजरंग दल के बलात्कारियों को बजरंग दल स्थापित करेंगे? और भगवान की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे ये बीजेपी वाले, देश के पीएम, पूरे देश के दलित आदिवासी कमजोर तबकों को जो बजरंग दल से हनुमान को जोड़ा गया, इसके लिए उसको ठेस पहुंचा है और माफी मांगनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को जो एजेंडा तय करके परोसा जा रहा है पूरे देश में, जब दुर्गति आसाराम नागपाल बटरर जेल भेजा गया, राम रहीम की स्थिति देखिए, अब उसको छुड़ा के वोट लिया जा रहा है। 2024-14 के पहले दो तीन ऐसे बाबा थे, कॉरपोरेटर बाबा, जिन्होंने एजेंडा तय किया कि डीजल पेट्रोल सब कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, मोदी को लाओ। तो इसीलिए मेरा मानना है कि मैं किसी को गाली देने नहीं बैठा हूं, लेकिन संत की परिभाषा गुरु नानक, गुरु गोविंद, तेग बहादुर, वाल्मीकि, संत रविदास, पेरियार, सावित्री, संत की परिभाषा रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महर्षि जी महाराज, ऐसे लोग। इसीलिए आप बेफिक्र हैं कि मैं बार बार आपको कह रहा हूं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैंने पहले कहा कि अंधविश्वास पैदा करने का जो निवारण है उसके तहत उन पर कार्रवाई करें। बिहार जहां विकास, शिक्षा, विज्ञान, झूठा चमत्कार और अंधविश्वास को किसी भी कीमत पर बिहार की धरती बर्दाश्त नहीं करेगी। महान खगोल विज्ञान आर्यभट्ट, दुनिया के आयुर्वेद का ज्ञान चरक संगीता देने वाला स्वास्थ्य विज्ञानी चरक की धरती है, यह अनाचार फैलाने की इजाजत पप्पू यादव जैसे लोग नहीं देंगे। देखिए, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वो लोग कथावाचक कुछ है, आप ज्ञानवाचक नहीं बनिए। हम पहले ही कह चुके हैं कि पप्पू यादव अंधविश्वास, कर्मकांड, रेपिस्ट लोगों का विरोधी है। पप्पू यादव बुद्ध को मानता है, महावीर को मानता है, पप्पू यादव गुरु गोविंद को मानता है, पप्पू यादव रामकृष्ण परमहंस को मानता है, माँ सीता को मानता है, पप्पू यादव लव कुश की धरती को मानता है, पप्पू यादव विवेकानंद के प्रयोगी हैं, पप्पू यादव श्री राम और महर्षि जी के अच्छा क्या, पप्पू यादव वाल्मीकि, संत रविदास को मानने वाले में से हैं, रामास्वामी पेरियार और सावित्री बाई फुले को मानने वाले में से हैं, भगवान परशुराम की लड़ाई और ऐसे संतों को मानने वालों में से हैं। पप्पू यादव फांसी चाहता है आसाराम बापू की, पप्पू यादव नागपाल की, पप्पू यादव राम रहीम की, पप्पू यादव जो दल 14 में लाइजनिंग कर रहा था, 200-300-400 बड़ा माफिया, ऐसे लोगों के विरोधी है। और जो बीजेपी आरएसएस का एजेंडा तय करे पैसा लेकर के और अंधविश्वास को फायदा करे, जो आर्यभट्ट से लेके, सुन से लेके, शेरशाह सूरी से लेके बाबू विक्रम वीर कुमार सिंह और विश्वामित्र से लेके राष्ट्रकवि दिनकर और विद्यापति कवि, उस पुरुषार्थ को पप्पू यादव मानता है।
ऐसे लोगों को पप्पू यादव सख्त विरोधी है। जो लोग नफरत, मैंने कहा कि इसकी गिरफ्तारी, जब नागपाल की गिरफ्तारी हो सकती थी तो फिर इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं, जिन्होंने सनातनी हिंदू के विचारधारा पर हमला किया। पप्पू जी एक सवाल, इसीलिए मेरा बहुत क्लियर है, ऐसे लोगों को रोकना चाहिए अंधविश्वास निरावरण के तहत। और जो लोग उतावले में हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप किसी को भी मानिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन बिहार की जमीन अंधविश्वास पैदा करने नहीं देना चाहिए।